दो भाई, दो मिल जाए। सैडा का सवाल का इलाका है जहाँ पे इंसिडेंट हुआ, लगभग 8:15 के करीब जो इंसिडेंट ये हुआ है, और उसके बाद ही सुना है कि जो हमारे जो एक लंबरदार जी हैं उनके घर में ये घुस गए हैं मिलिटेंट, और वहाँ जाके हमने 5-6 फायर सुने हैं, हैंड ग्रेनेड की आवाज़ सुनी है, और सुना है कि अब जो आ रही है आवाज़ पुलिस के मुताबिक एक आदमी न्यूट्रलाइज कर दिया गया है, बाकी सुना है कि 2 आदमी थे, और बाकी जो है थोड़ा सा अभी उनके साथ संघर्ष चल रहा है। पुलिस काफ़ी संख्या में मुझे लगता है यहाँ पे आ चुकी है, और मुझे लगता नहीं कि वो बच पाएंगे, लेकिन ये चीज़ ज़रूर कहूँगा कि ये बहुत ही शांत इलाका है, बहुत ही पीसफुल लोग रहते हैं यहाँ पर। इस तरह की घटनाएं यहाँ चंबे से कम नहीं है, लेकिन उसका कारण क्या है कि यहाँ कुछ समय से यहाँ लोग अनआइडेंटिफाइड लोग जो हैं किश्तवाड़, डोडा और आगे पीछे से यहाँ पे बस रहे हैं, और उनका हमें किसी को भी अता पता नहीं है, ना कोई उनकी वेरिफिकेशन हो पाती है। तो मुझे बिना ओवरग्राउंड वर्कर के या बिना लोकल सपोर्ट के ये चीज़ें संभव नहीं हो पाती हैं। तो मुझे लगता है क्योंकि 2 दिन पहले ही हमारा मेला गाँव है, वहाँ एक आदमी की गर्दन काट दी गई, तो इसलिए बहुत ही गंभीर बात है, क्योंकि हमारे लोग कहीं ना कहीं डर जाते हैं। जो सरकार से भी कहूँगा कि मुझे लगता है कि जो एक जो बंदूकें देने का काम था, जैसे BDC को दिया था एक टमे, हमारे लोगों को भी बंदूकें दी जाएं ताकि लोग थोड़ा सा सुरक्षित महसूस कर सकें। जगह पर गांव सैद है, ये गांव हीरानगर के थाना के क्षेत्र का है। इस जगह उसके बाद जैसे ये नमूदार हुए इलाके में लोगों ने अपने, जैसे इन्होंने कोई एक घर में जाकर कुछ लोगों से पानी वगैरह मांगने की कोशिश की, तो जब लोग दहशत में आए तो उसके बाद जैसे सूचना मिली इसकी, तो यहाँ पर SHO और SDPO की टीम मौके पर पहुँची, और चूंकि उसमें एक आतंकवादी ने उन पर ग्रेनेड लॉन्च करने की कोशिश की और एक्सचेंज ऑफ फायर में वो टेररिस्ट मारा गया। तो ये टेररिस्ट मारा गया है, और जो दूसरा आतंकवादी है वो इस इलाके में छिपे होने की उसकी खबर है, और अभी सर्च ऑपरेशन जारी है। सर, होस्टेज वाले भी कुछ खबरें ऐसी अनकन्फर्म रूमर्स इस इलाके में काफ़ी चल रही है कि काफ़ी लोग आहत हुए हैं, 3 उसमें जो सिविलियंस हैं उनकी मृत्यु भी हुई है और बहुत सारे लोग इंजर्ड हैं, लेकिन इसमें सिर्फ 1 सिविलियन की इंजरी की हमें सूचना मिली है और उन सिविलियन को हमने सेफली इवैक्यूएट कर लिया। इसके अलावा जो अनकन्फर्म रूमर्स हैं इसकी रिगार्डिंग किसी की मृत्यु होने की, किसी की हॉस्टेज होने की, अनकन्फर्म रूमर्स हैं, तो लिहाजा मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इन रूमर्स में ना जाए और हम इसका पहले कंफर्मेशन देंगे, उसके बाद ही कोई छत्रकला में एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है, वहाँ पर 4RR और जो हमारा पुलिस का जॉइंट नाका है उस पर फायर हुआ है और अभी एक्सचेंज ऑफ फायर चल रहा है। सर, कहा जा रहा है कि ग्रेनेड्स का हमला भी हुआ है सिविलियंस पर, इसके अभी ये ऑपरेशनल डिटेल्स है सारी, तो इसमें अभी फर्दर इलाके को कॉर्डन में लिया गया है और दूसरे आतंकवादी की सर्च इस इलाके में जारी है। सर, क्या लग रहा है, फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन ब्रिड है? ये लगता है कि फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन ब्रिड है, और जो ये हुआ है ये गांव में नमूदार हुए हैं 8:30-8 बजे के आसपास। सर, 3 दिनों में 2 हमले हुए हैं सर जम्मू में, किस तरह से आप देख रहे हैं, क्या पाकिस्तान की बौखलाहट है, किस तरह से आप देखते हैं रियासी के बाद? ये हमारा एक हॉस्टाइल नेबर है जिसके यहाँ पर जो पीसफुल हमारा सारा एनवायरमेंट है उसको डैमेज करने के लिए उसकी हमेशा कोशिश ये रहती है, तो लिहाजा ये जो इन्फिल्ट्रेशन है ये अपीयर टू बी फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन, और जैसे एक आतंकवादी मारा गया दूसरे की भी सर्च जारी है। RR कैंप को टारगेट करने की कोशिश तो नहीं किया है छत्रकला वाला? जी, छत्रकला में बेसिकली हमारा डिप्लॉयमेंट है ऑलरेडी, तो उसमें 4RR और हमारे पुलिस का नाम जॉइंट नाका होता है उस पर फायर हुआ है और अभी रिटेलिएट किया गया और एनकाउंटर जारी है। सर, अमरनाथ यात्रा भी आने वाली है। सर, अमरनाथ